नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी आयुर्वेद में वर्णित एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अश्वगंधा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। अश्वगंधा की बात करें तो यह स्वाद में हल्का कड़वा और तीखा होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, जिस कारण से यह कफ एवं वात का शमन करता है। यह स्ट्रेस रिड्यूसर के समान कार्य करता है, इसीलिए यह अनिद्रा एवं मानसिक तनाव से पीड़ित रोगियों में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी एवं एंटी डिप्रेसेंट के समान कार्य करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। मधुमेह एवं हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित मरीजों में यह बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। इनके लगातार सेवन से हाई ब्लड प्रेशर एवं मधुमेह के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको यह शरीर के अंदर निष्क्रिय करता है एवं दुष्प्रभावों को कम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। पुरुषों में यदि लो स्पर्म काउंट है तो इसका उपयोग करने से स्पर्म काउंट बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय में यदि अंदरूनी अंतःकला यानी इंटरनल लाइनिंग में स्वेलिंग आ गई है तो इसके उपयोग से वह स्वेलिंग कम होती है। साथ ही ल्यूकोरिया में भी यह अच्छा फायदा करता है। कोरोना काल में इसके सेवन से काफ़ी मरीजों में इम्यूनिटी बढ़ी या इम्यूनिटी बूस्टर के समान कार्य करता है। इस कारण से इसका सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। यह शरीर को आंतरिक बल प्रदान करता है और रसायन के समान कार्य करता है। इसका सेवन करने से शरीर में अश्व के समान बल आ जाता है। अश्वगंधा औषधि के बाज़ार में विभिन्न कंपनियों के चूर्ण कैप्सूल और टैबलेट उपलब्ध हैं। इसके अलावा आसव आरिष्ट भी उपलब्ध हैं। अश्वगंधा आरिष्ट, अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा चूर्ण, इन सभी का उपयोग आप कर सकते हैं। चूर्ण का उपयोग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में किया जाता है। चूर्ण कड़वा होता है तो इसका उपयोग आप दूध में शक्कर मिला के कर सकते हैं, लेकिन मधुमेह की रोगी बिना शक्कर के ही दूध का सेवन करें। दोस्तों, इस औषधि के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। इस कारण से आप किसी जानकार आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से ही उस औषधि का सेवन करें। इसके दुष्प्रभावों में हम देखते हैं कि जिनका बीपी कम होता है या शुगर कम होती है उन्हें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था में इसका सेवन निषेध है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई औषधि के साथ। धन्यवाद।